नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड में अब यहां टूट होने के संकेत मिलने लगे। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी नेतृत्व पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बाद भी न पार्टी कुशवाहा पर हाथ डालने की हिम्मत कर पा रही है और न ही कुशवाहा पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो बार कह चुके हैं कि कुशवाहा को जहां जाना है वहां जाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर डॉक्टर्स और FAIM नीट PG 2023 का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के बीच एक नोटिस आया, इसमें लिखा था कि नीट PG एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया। इस बीच नीट PG परीक्षा 2023 पोस्टपोन होने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट PG एग्जाम 2023 पोस्टपोन होने के संबंध में वायरल नोटिस की फोटो ट्वीट करके लिखा, सोशल मीडिया पर ये नोटिस फैलाया जा रहा है लेकिन ये फर्जी है, ऐसे में फर्जी वाले से सावधान रहें। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर उद्योगपति गौतम अडानी के मामले में दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि संसद में चर्चा करने के बजाय वह सदन को बाधित कर रही है। भाजपा सांसद ने कहा है कि कांग्रेस ही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार और केरल में वाम मोर्चा की सरकार भी अपने यहां पूंजी निवेश के लिए तो अडानी की आरती उतारते हैं, लेकिन जब से इस समूह को भाजपा शासित राज्य में कोई काम दिया जाता है तब देश बेच दिया का शोर मचाया जाता है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने BJP और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि BJP देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। उन्होंने सामाजिक संगठनों के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में यह टिप्पणी की है। RSS प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव भागलपुर के कृपा घाट सेवा आश्रम में आगामी 10 फरवरी को गुरु निवास उद्घाटन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत होंगे। एक साथ दो VIP जिनमें से एक के पास Z+ तो दूसरे के पास जेट श्रेणी की सुरक्षा मौजूद है भागलपुर में मौजूद रहेंगे। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर सहित राज्य स्तर की खुफिया एजेंसियां अपनी नजरें भागलपुर में गराए बैठी हैं। वहीं भागलपुर पुलिस को भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को कर्नाटक में तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस दौरान PM मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा था कि यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए और जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई। प्रधानमंत्री का इशारा लड़ाकू विमान राफेल की खरीद के समय हुए विवाद की तरफ था। उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से खास बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ललन सिंह कह रहे हैं कि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूं, यही बात तो मैं भी कह रहा था। अध्यक्ष बनाया गया लेकिन कागजों पर असल में यह मुझे झुंझुना थमाने के समान है। मेरे आरोपों को ललन सिंह ने सही प्रमाणित कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीते साल 2022 में 63 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा था, जबकि इस साल अभी तक 3 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा जा चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में राज्यसभा में जानकारी दी है। मंत्रालय की ओर से राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 के बाद से कुल 143 यात्रियों को इस लिस्ट में रखा गया है। 2017 से लेकर 2022 तक सबसे ज्यादा 66 लोग 2021 में नो फ्लाई लिस्ट में रखे गए थे। बगहा के भिता प्रखंड के खैरवा पंचायत अंतर्गत भगवानपुर गांव में एक दो पैर के बछड़े ने जन्म लिया है। लोगों के लिए ये बछड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस बछड़े की देखभाल में मवेशी पालक को काफी परेशानी हो रही है। पशुपालक प्रभु कुशवाहा के लिए ये मुसीबत का सबब बन गया है। कोविड काल के बाद रेलवे के लिए यह वित्तीय वर्ष सुकून देने वाला साबित हो रहा है। रेलवे ने इस फाइनेंशियल ईयर में जनवरी 2023 तक माल ढुलाई से 13,05,387 करोड़ रुपए की कमाई की है। रेलवे ने पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई से 16% अधिक आय की है। रेलवे ने जनवरी 2023 तक 1,243.46 मीट्रिक टन की माल ढुलाई हासिल की। भूकंप से तबाह हुए तुर्की की मदद के लिए दुनिया भर से सहायता भेजी जा रही है। भारत ने भूकंप राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। राहत सामग्री की खेप में एक विशेषज्ञ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल खोज और बचाव दल शामिल है। इसमें पुरुष और महिला दोनों कर्मी, अत्यधिक कुशल डॉग स्क्वाड, चिकित्सा से जुड़ी चीजें, उन्नत ड्रिलिंग उपकरण भेजे गए हैं। लेकिन भारत से राहत सामग्री लेकर जा रहे विमान को पाकिस्तान ने अपनी हवाई क्षेत्र इस्तेमाल नहीं करने दिया, जिसके कारण भारतीय विमान को लंबी दूरी तय करके तुर्की जाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा, जैव ईंधन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यहां तेल एवं गैस क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपतियों के साथ एक बैठक में भारत को टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की राह पर ले जाने से संबंधित विचारों एवं पहल पर चर्चा की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल और परंपरागत ईंधनों में इथेनॉल एवं बायोडीजल का मिश्रण बढ़ाने पर बल दिया है। पाकिस्तान इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार
फिर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर राग अलापा, जिसके बाद भारत ने भी उसे करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि चाहे जो भी कहे या माने, संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। रूस के राजदूत डेनिस अली पोव ने सोमवार को कहा है कि उनका देश जल्दी भारत को सतह से हवा में मार करने वाले S-400 मिसाइल प्रणाली की तीसरी खेप भेजेगा। अली पोव ने कहा है कि यह निकट भविष्य में पूरी की जाएगी। दोनों पक्ष सौदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम निश्चित तौर पर वह करेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। साल के पहले माह में ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे कंपनियों ने 40,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। भारत की भी कई बड़ी कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की। अब तक इन घोषणाओं को एक समस्या की तरह देखा जा रहा है, लेकिन जाने माने अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया ने इन छंटनियों को अच्छा संकेत माना है। अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सोमवार को संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित रही। हालांकि ये गतिरोध आज खत्म हो सकता है। संसद में विपक्ष द्वारा शुरू किए गए हंगामे को शांत करने के लिए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को विपक्ष के नेताओं से बात की थी। जानकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर आज भी सरकार और विपक्ष में बातचीत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट आज वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को उनके शपथ ग्रहण से ठीक 15 मिनट पहले मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में वकील लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी को नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिहाज से भारत को दुनिया में सबसे सुरक्षित देश बताया गया है। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के रिसर्च के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों की लिस्ट में नंबर एक पर रखा गया है। भारत के संविधान में जिस प्रकार अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रचार के लिए विशेष प्रावधान है, ऐसे प्रावधान किसी और देश में नहीं है। ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने भारत को तेल और गैस की खोज के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताया है। ओपेक के महासचिव हैथल अल घैस ने बेंगलोर में कहा है कि ओपेक और भारत के रिश्ते काफी सॉलिड हैं। दरअसल हैथम बेंगलुरु में चल रहे भारत ऊर्जा सप्ताह के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी नई दिल्ली स्थित IGI एयरपोर्ट से दो लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से इटली बेस्ड भारतीय नागरिक है। इस युवक पर भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बनकर लोगों को ठगने का आरोप है। आरोपियों की पहचान गगन दीप सिंह जो कि इटली में रहता है और अश्विनी कुमार के रूप में हुई है। देश की पहली रिंग मेट्रो लाइन 2024 में शुरू हो जाएगी। अब पहली रिंग मेट्रो के साथ साथ देश का पहला सबसे लंबा 71.15 किलोमीटर का सबसे बड़ा सिंगल कॉरिडोर भी होगा। इस रिंग मेट्रो के शुरू होने से यात्रियों को काफी आसानी होगी। वैसे बता दें कि रिंग मेट्रो का काम अपने तय समय से थोड़ा लेट चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा है कि भारत हमेशा भूटान का एक विश्वसनीय मित्र रहेगा। उन्होंने भूटान के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के दौरान कहा है कि इस साल के केंद्रीय बजट में पड़ोसी देश को 2,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भूटान के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वांगचुक नामग्याल की अगुवाई वाले भूटान के प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी संसद भवन में मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 के आम बजट में नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स पेयर्स को राहत देने के साथ सीनियर सिटीजन के लिए भी जबरदस्त ऐलान किया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में निवेश की अधिकतम राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले यह लिमिट 15 लाख रुपए थी। केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद भाजपा से संसदीय दल की पहली बैठक से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है, हालांकि यह अगले लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को नसीहत भी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि काम दिखाई देता है और काम के प्रभाव के कारण ही एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा है कि जनता से जुड़िए और सरकार के काम के बारे में बताइए। रूस ने अमेरिका पर एक बार फिर हमला बोला है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में रूस के राजदूत डेनिस अली पोव ने कहा है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष पर अमेरिकी अगुवाई में पश्चिमी देशों के अहंकारी रवैये और मौजूदा भू राजनीतिक बदलावों के कारण भारत और रूस के बीच संबंध तनाव में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अडानी और HAL मुद्दे पर 15 विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के बाद ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी और भारत राष्ट्रीय समिति ने तय किया है कि जब तक अडानी घोटाले मामले में संयुक्त संसदीय समिति गठित नहीं की जाती, तब तक हम संसद की चर्चा में भाग नहीं लेंगे। इस बजट का ऐलान उन्होंने बजट सत्र पर चर्चा के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि हमारा यह विरोध अडानी मसले पर JPC के गठन होने तक जारी रहेगा।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोरोना में एमएसएमई को जो रकम कॉन्ट्रैक्ट न पूरा होने के चलते जब्त की गई थी उसको लेकर राहत देने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने सभी मंत्रालयों विभाग को ऑर्डर दिया है कि कोरोना काल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाने के कारण एमएसएमई की जब्त की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को वापस कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक इस बार हज के लिए आवेदन फ्री होगा, यानी सभी हज यात्री मुफ्त में आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि पहले आवेदन के लिए 400 रुपए प्रति हाजी लिए जाते थे। इतना ही नहीं इस बार करीब 50,000 रुपए प्रति हाजी छूट भी दी जाएगी। हाजियों को बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामान के लिए भी अब पैसा नहीं देना होगा। वे अपने स्तर पर सामान खरीद कर ले जा सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कॉस्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मीडिया को दिए इंटरव्यू में खुद को नितिन गडकरी ने इस बात का खुलासा किया है। देश भर के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कीमत एक बराबर हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार के कहने पर बैंक और LIC निवेश नहीं करते, इसलिए अडानी मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जहां तक देश की अर्थव्यवस्था की बात है तो दुनिया देख रही कि इस संकट के दौर में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, लल्लू रॉय, नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, दीपक कुमार, विजय सिंह, अखिलेश यादव, अनवर करीम खान, विपिन वर्मा, बाबूलाल मरांडी, MD साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, महमूद अंसारी, चिराग रिजवी, MD नौसाद, रजनी, अर्जुन राम, AK खान, दीपक कुमार, रंजीत पासवान, संजय चौधरी, अंशु प्रिया और चांदनी प्रवीण। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा हज यात्रा पर 50,000 रुपए की छूट दी गई है, इससे हज यात्रियों को कितना लाभ होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।